राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां आखिरी दौर में हैं। पूरे अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। इसी कड़ी में राम की पौड़ी पर 111,000 दिए लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या में घर घर और मठ मंदिरों में दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें अवध विश्वविद्यालय के 200 से ज्यादा वॉलंटियर लगाए गए हैं। राम की पौड़ी और पूरी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। पूरी अयोध्या दियों और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाएगी। यहाँ पे हम लोग 111,000 दिए जला रहे हैं और यहाँ आके हमें सर बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि हम जो दिया जला रहे हैं सर राम के नाम से जला रहे हैं सर। तो यहाँ पे जो सर खुशी है सर, वो अंदर से खुशी वो निकल रही है सर कि किसने कितनी प्रसन्नता। हम लोग के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि पहली बार पीएम के लिए ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और हम लोग इसमें आए हैं और हम लोग को इसमें इतना सब कुछ करने का चांस मिल रहा है, हम लोग को तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग फैजाबाद से हैं और काफ़ी जो हम लोग की टीम है वो अयोध्या की भी है। हम लोग यहीं लोकल के ही हैं और हम लोग अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, MCA ब्रांच, और यहाँ पे 111,000 कुछ दिए जल रहे हैं और अभी शाम को 7 बजे यहाँ पे दिए जलेंगे और यहाँ का शाम को नज़ारा अच्छा रहेगा देखने का। और हम लोग राम की पैड़ी पे घाट नंबर 3 पे अलॉट हैं। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका इंतजार अयोध्या और पूरा देश कर रहा था। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पूरी अयोध्या नगरी सज चुकी है और पूरी तरह से तैयार है एक नई शुरुआत के लिए। 5 अगस्त बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।